स्वागत है तुम सबका एक और क्राफ्टर्स के नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में मैं एक आर्मर बनाने वाला हूँ और इसके बाद मैं मैग्मा आर्मर को फेंक दूंगा। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, नहीं फेंकने वाला। बहुत मेहनत से मैंने इसको मैक्स किया है और इसका माना भी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी मैं इसको सजा कर रखने वाला हूँ अगर ना भी पहनूँ तो। हाँ, आज मैं ब्लेज आर्मर बनाने वाला हूँ और इसके बाद फ्रोजन ब्लेज भी बनाऊँगा। उसके लिए मैंने आइस मिनियन लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। अभी शायद 7 मैक्स आइस मिनियन है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लेज आर्मर के लिए ही मेरा इतने दिनों से फार्म चल रहा था और अभी ये 2 मिनियन है, क्योंकि मैं जो 2 एक्स्ट्रा मिनियन मैंने लगाए थे वो हटा दिया है। उसकी जगह पर कुछ नया मिनियन लगाऊंगा, ये काम तो हो गया तो मैंने हटा दिया। और वो 2 मिनियन मेरे मैक्स होने के लिए मैंने रखा है। तो चलो अभी मैं ले लेता हूँ, 24 पूरे गिन के हैं पूरा सेट बनाने के लिए। और अभी मुझे एक चीज़ पता नहीं है सही से कि अगर मैं इसको इंचेंट कर दूँ तो बाद में इसका आइस सॉरी फ्रोजन ब्लेज आर्मर बनेगा या फिर नहीं। तो चलो अभी इसको बनाते हैं। पहले हेलमेट, ये आ गया हेलमेट। अभी लेगिंग्स, और ये हो गया, और ये चेस्ट प्लेट, और ये लास्ट बूट्स। देखो जो भी हो, लेकिन ये दिखता बहुत खतरनाक है। और इससे अच्छा तो फ्रोजन ब्लेज आर्मर हो तो और भी खतरनाक है। अभी तो इसका कुछ अच्छा स्टैट्स नहीं है क्योंकि इंचार्ट नहीं है और पोटैटो बुक भी नहीं है। हॉट पोटैटो बुक भी मैंने नहीं डाला, तो वो सब काम मैं बाद में करूँगा। और ये देखो क्या क्या ही लग रहा है। और वैसे तो मैं ये पहनने नहीं वाला क्योंकि मैं इसको इंचार्ट नहीं करने वाला। मुझे पता नहीं है कि अगर इंचार्ट कर दूँ तो फ्रोजन ब्लेज में काम आएगा या फिर नहीं, तो मैं इंचार्ट नहीं करूँगा। और मेरा जो आइस का काम चल रहा है, जी जान लगा के मिनियन काम कर रहे हैं मेरे, पता नहीं कब बनेगा, बहुत टाइम लग जाएगा वो तो पता है। तो मैं बता दूं कि तुम लोग भी कैसे ये फार्म कर सकते हो इजीली फ्रोजन ब्लेज आर्मर के लिए, फ्रोजन ब्लेज रॉड, इंचेंटेड ब्लेज रॉड। तो उसके लिए देखो तुम जितने ज़्यादा मिनियन लगाओगे उतना ही जल्दी तुम्हारा काम होगा, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पर 4 मिनियन लगाया था और उसके अंदर कोल भी डाल देना, इंचेंटेड कोल, जिससे वो जल्दी जल्दी काम करे। सबसे बढ़िया है तो इंचेंटेड लावा बकेट, लेकिन वो महंगा है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा एक कोल मिनियन लगा दो और इंचेंटेड कोल डाल दो मिनियन में, बस हो जाएगा। टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा लेकिन हो जाएगा, जितना ज़्यादा मिनियन होगा उतना जल्दी तुम्हारा हो जाएगा काम। और वैसे तो मैं अभी ये आर्मर पहनने नहीं वाला क्योंकि मैं एक शॉट में मर जाऊँगा पता है। अभी तो मैग्मा आर्मर ही यूज़ करूँगा मैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूँ कि 25 तारीख को अपडेट आने वाला है क्राफ्टर्स में, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है। एक बार में वो नहीं देंगे क्योंकि एक बार में अगर दे देते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ग्लिच और बग वगैरह भी आते हैं, तो इसीलिए पार्ट पार्ट करके देंगे वो। अगर आपको उसका टीज़र देखना है तो उनका जो ऑफिशियल चैनल है उसमें है, जाके देख लो। और उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या क्या नया आता है। मैं तो चाहता हूँ कुछ नए ब्लॉक्स ऐड हो जाए, वो तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या नया आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए किसी गेमिंग वीडियो में।